लेट्स स्टार्ट विद द डे सिक्स। सो डे सिक्स में हमारा आएगा सिस्टम हैकिंग। सिस्टम हैकिंग बेसिकली अगर हम बात करें, अगर हमारे पास एक मेन सिस्टम है उसको कैसे हैक करना है, अगेन इट इज अ कम्प्लीटली प्रैक्टिकल थिंग। हम कंप्लीट यहाँ पे प्रैक्टिकल करने वाले हैं कि सिस्टम, मैं कुछ कुछ प्रैक्टिकल करवाऊंगा, पहले स्टेजेस के बारे में जानेंगे कि हम सिस्टम हैकिंग कैसे होती है। सो ओवरऑल सिस्टम हैकिंग हमारी तीन फेज के अंदर कम्प्लीट होती है। फर्स्ट हम यहाँ पे सिस्टम का एक्सेस लेते हैं, सेकेंड हम यहाँ पे उसको एक्सेस को मेंटेन करते हैं, थर्ड हम उसके जितने भी लॉक्स वगैरह उसको क्लियर करते हैं। लेट्स डिस्कस कि गेनिंग एक्सेस में क्या क्या होता है। तो फर्स्टली हमारा जो स्टेप आता है दैट इज क्रैकिंग पासवर्ड। आप सिस्टम में कई बार एंटर करने के लिए आप पासवर्ड क्रैकिंग भी करनी पड़ती है। तो पासवर्ड क्रैकिंग के अंदर क्या होता है, अगर हम बात करें, हम डिफरेंट टूल्स यूज करते हैं, जैसे कि लेट्स यूज द काली। ये हमारे पासवर्ड अटैक्स के लिए काफी सारे टूल्स हैं, ठीक है। तो ये टूल्स यूज करके, मतलब ये जो हमारे कॉम्बिनेशन ऑफ टूल्स हैं, इन टूल्स को यूज करके आप फर्दर पासवर्ड अटैक्स प्लान कर सकते हैं। अगेन पासवर्ड अटैक में और भी टेक्निक्स आते हैं, जैसे कि हम बात करें टेक्निक्स की, अगर मैं जनरली बात करूँ तो पासवर्ड गैसिंग हो गया, ठीक है। उसमें आप पासवर्ड गैस करते हो या डिफॉल्ट पासवर्ड यूज करना। कई बार क्या होता है एप्लीकेशन डिफॉल्ट पासवर्ड यूज करती है, जैसे एडमिन 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 एट द रेट 123 एडमिन पासवर्ड, इस टाइप के कई बार क्रेडेंशियल यूज होते हैं। तो ये भी अगेन क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी है, ऐसे हम मतलब चेक कर सकते हैं। ब्रूट फोर्स टेक्निक होती है, जिसके अंदर हम ये डिस्कस करते हैं कि मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ जैसे अल्फाबेट्स, न्यूमेरिकल वैल्यू और स्पेशल कैरेक्टर, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स कैरेक्टर्स यूज करके हम कैसे फर्दर टारगेट को मतलब पासवर्ड क्रैक कर सकते हैं इसका, ठीक है। तो वो भी हम यूज चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज और होती है कि आप जैसे टूल्स आते हैं, जैसे कि हाइड्रा वगैरह, तो हाइड्रा हो गया, जॉन द रिपर हो गया, हैशकैट हो गया, हैशकैट जैसे कि हैशेस वगैरह को क्रैक करने के लिए, मेडुसा हो गया, एनक्रैक हो गया, ओपीएच क्रैक हो गया, तो ये विंडोज के लिए आता है। सो ऑफलाइन और ऑनलाइन अटैक्स दोनों परफॉर्म करने के लिए हमारे पास काफी सारे टूल्स हैं। अगर आपको ऑनलाइन किसी वेबसाइट पर ब्रूट फोर्स करना है कोई क्रेडेंशियल, जैसे कि अगेन एक क्वेश्चन आया था अभी कि लॉग इन पासवर्ड पर कैसे ब्रूट फोर्स कर सकते हैं, बेसिकली अगर बायपास करना हो, तो अगर वहां पे कोई कैप्चा नहीं लगा, ठीक है, किसी भी तरह का वो सिक्योरिटी मैकेनिज्म हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया है टू प्रिवेंट द ब्रूट फोर्स अटैक, तो वहां पे आप हाइड्रा यूज कर सकते हो या फिर कोई और भी टूल यूज कर सकते हो इस टू परफॉर्म द लॉग इन ब्रूट फोर्स, ठीक है। तो आप लॉग इन को ब्रूट फोर्स कर सकते हो, कॉमन क्रेडेंशियल का सेट ले सकते हो, आप एक वर्ड लिस्ट ले सकते हो लॉग इन की, मतलब कॉमन यूजर नेम या कॉमन ईमेल एड्रेस और कॉमन पासवर्ड की लिस्ट। तो आप जस्ट दोनों फील्ड पर अप्लाई करो एंड देन यू विल बी एबल टू पेनिट्रेट इनटू द नेटवर्क, आप लॉग इन कर सकते हो अगर वहां पे ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट करती होगी तो। वेब के लिए आप हेडर यूज कर सकते हो, अगर आपको फिजिकली यूज करना है तो ओपीएच के टैग वगैरह यूज कर सकते हो। सो नाउ लेट्स टेक अ एग्जांपल, जैसे कि मुझे विंडोज की अगर मैं बात करूँ, ठीक है। सो विंडोज में लेट्स ओपन माय वीएमवेयर। सो वीएमवेयर के अंदर मैंने ऑलरेडी विंडोज इंस्टॉल कर रखी है, सो आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन दिस, लेट्स वेट। तो हमारे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन हो गया। अब विंडोज के भी कहते हैं क्रेडेंशियल्स हमारे स्टोर होते हैं, तो विंडोज के हमारे क्रेडेंशियल स्टोर होते हैं सैम के अंदर, सैम फाइल के अंदर, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं, अगर मेरे पास सैम फाइल का एक्सेस है तो मैं सैम फाइल से मतलब क्रैक कैसे कर सकता हूँ, ठीक है, मतलब पासवर्ड को मैं क्रैक कैसे कर सकता हूँ। तो विंडोज के लिए काफी कॉमन टूल आता है, दैट इज पीडब्ल्यू डंप। लेट्स सी, कैन एनीवन कंफर्म लाइक एम आई ऑडिबल और माय स्क्रीन इज विजिबल टू यू? ओके सर। सो अभी हम विंडोज 10 स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे मैं अपना एक ऑफलाइन पासवर्ड क्रैक करने वाला हूँ, ठीक है। आप पासवर्ड ऑनलाइन भी क्रैक कर सकते हो, ऑफलाइन भी क्रैक कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन योर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपको कोई पासवर्ड क्रैक करना है ऑफलाइन, अगेन आपकी सिस्टम परफॉर्मेंस इंपैक्ट करने वाली है, क्योंकि ओवरऑल जो उसकी यूटिलाइजेशन है वो वहाँ पे पासवर्ड अटैक के ही लगने वाली है। सो आई हैव द सफिशिएंट कॉन्फ़िगरेशन, सो मैं अभी ऑफलाइन यूज करूंगा, पर ऑनलाइन भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि कुछ एप्लीकेशन आते हैं जैसे क्रैक स्टेशन, ठीक है, उनको यूज करके ऑनलाइन पासवर्ड अटैक्स परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। सो अभी हम विंडोज में ऑफलाइन पासवर्ड क्रैक करने के लिए टूल यूज करने वाले, दैट इज पीडब्ल्यू डंप, ठीक है। आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, पीडब्ल्यू डंप 7 डाउनलोड, यहाँ पे पीडब्ल्यू डंप डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड पीडब्ल्यू डंप, ठीक है। आप जैसे इस पर डाउनलोड क्लिक करोगे आपकी जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगी, और इसको रन करने से पहले आपको एंटीवायरस अपना बंद करना, तभी ये रन होगा, वरना ये रन नहीं होगा, ये डिलीट हो जाएगा। विंडोज सिक्योरिटी में जाना, वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन, यहाँ पर मैनेज सेटिंग्स, और इन सभी चीजों को ऑफ करना, बस सारी चीजें ऑफ हैं तभी इसको आप रन करना, अदरवाइज ये उसको डिलीट कर देगा बाय डिफॉल्ट। सो अभी जैसे कि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया है, सो लेट्स गो टू डाउनलोड्स प्रोग्राम्स। फायरवॉल्स को सब चीजों को हमें क्लोज करना पड़ेगा इसके लिए? हाँ, मतलब जितने आप सिक्योरिटी प्रोटेक्शन विंडोज में इम्प्लीमेंट आते हैं, अगर आपको प्रैक्टिकल्स परफॉर्म, जैसे कि मैंने क्या किया है, यहाँ पे दो मशीन सेटअप कर रखी, एक काली लिनक्स और एक विंडोज। विंडोज एक तरह से मैं विक्टिम की तरह यूज करता हूँ कई बार, कुछ भी अदर चीजें परफॉर्म करनी हो, एक्सपेरिमेंट्स करनी हो कुछ भी,
तो मैं उसके लिए विंडोज परफॉर्म कर रहा हूँ बिकॉज ये मेरे फिजिकल एनवायरनमेंट से अगेन आइसोलेटेड है। सो अगर आप जितने इसमें सिक्योरिटी चीजें बंद करके रखोगे आप इतनी उतनी इजीली सारी चीजों को आप एक्सेस कर सकते हो। सो अब अगेन आपकी कंप्लीट प्रोसेस पूरी इजी रहने वाली है। ये मैंने अभी बंद कर दिया, अब ये मेरे पास डाउनलोड है पहले से, तो कंप्रेस करने चलते हैं। पीडब्ल्यू डंप सर, आपकी जिप फाइल ऐसे डाउनलोड होगी, आप तो उसको अनजिप करना है, ठीक है, एक्सट्रैक्ट कर सकते हो आप। उसके बाद ये आपका मेन टूल आ जाएगा। इसको रन करने के लिए आपको एडमिनिस्ट्रेटर राइट से कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है। सो इसको रन करने के लिए अगेन आप राइट क्लिक करके भी कर सकते हो, राइट क्लिक रन एज एडमिन, और आप सीएमडी से भी कर सकते हो, सीएमडी राइट क्लिक ऑन इट, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, यस। अब मेरा जो फाइल ओपन हुआ है मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फाइल की लोकेशन दे दूंगा, तो जस्ट अ मिनट हम सीडी कर लेते हैं इस लोकेशन में, ठीक है, डी आई करते हैं, हमारे पास लोकेशन आ रही है। अब मैं क्या करता हूँ, ये टूल को रन करूंगा, उसका नाम दूंगा बस और हिटा एंटर। ये टूल अब ऑटोमेटिकली चला और इसने मुझे उसके हैश निकाल के दे दी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रशांत का मेरे पास हैश आ रहा है, ठीक है। अब फर्दर मैं इसको क्रैक कर सकता हूँ, वो अभी हम देखने वाले हैं कि और क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हैं क्रैकिंग के लिए, ठीक है। तो ऑफलाइन में मैं ये इससे डंप कर सकता हूँ, तो मेरा पासवर्ड है विंडोज का, अगर मुझे डंप करना होगा तो मैं कैसे कर सकता हूँ, पीडब्ल्यू डंप 7 के, मैं इजीली उसको डंप कर सकता हूँ इजीली। मुझे ऐसा कुछ स्पेसिफिक ये नहीं किया, मुझे कुछ स्पेसिफिक परमिशन चाहिए यहाँ पे, हाँ परमिशन ये है कि यहाँ पे आपको एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए, ठीक है, ये एटलीस्ट यहाँ पे। मैं इसको फिर से एक बार करके दिखाता हूँ बिकॉज सुलेमान हैज अ रिक्वायरमेंट। तो हमें बेसिकली फर्स्ट टूल को डाउनलोड करना है, पीडब्ल्यू डंप 7। ये टूल क्या करने वाला है, आपके विंडोज के पासवर्ड को डंप करके आपको दे दे। तो फर्स्टली आपको सर्च करना है पीडब्ल्यू डंप, सेकंड वेबसाइट पर जाना है, दैट इज terrasco.org, इसमें आपको पासवर्ड डंपर मिल जाएगा। इसमें आपको डाउनलोड करना है फर्स्ट, सेकंडली आपको सिक्योरिटी जितनी है वो पूरी डिसेबल करनी है, विंडोज सिक्योरिटी में जाना, वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन के अंदर, सॉरी रियल टाइम एंड हाँ वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन सेटिंग्स के अंदर मैंने सेटिंग और सारे ऑफ ऑफ होंगे तभी चलेगा वरना डिलीट हो जाएगा, ठीक है। मैंने ऑफ कर दिया, ये मैंने डाउनलोड किया zip फाइल, उसके बाद मैंने अनजिप किया इसको, अनजिप करने के बाद मैंने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया एज अ एडमिनिस्ट्रेटर। तो मैंने एज अ एडमिनिस्ट्रेटर ओपन किया, यस किया। अब अगर मुझे इस सिस्टम के अगर डंप करना है पूरे क्रेडेंशियल्स तो मैं कर सकता हूँ। ये मेरे कब यूज में आएगा, जब मेरे पास मेरे सिस्टम का एक्सेस है और एक्सेस भी मेरे पास हाई लेवल यूजर का एक्सेस है, एडमिन एडमिन का अगर मेरे पास एक्सेस है तो ही मैं इससे मतलब डंप कर सकता हूँ पासवर्ड से, अदरवाइज मैं डंप नहीं कर पाऊँ, ठीक है। तो मैं भी क्या करूँगा, यहाँ पे इसकी लोकेशन चेंज कर लेते हैं, क्योंकि मैंने सी डी चेंज डायरेक्टरी पेज, अब मैं किस लोकेशन के अंदर आ गया, पीडब्ल्यू डंप 7 के अंदर। अब मैं यहाँ पे टूल रन करने वाला हूँ, तो मुझे उसके लिए सिर्फ कमांड फायर करनी है पीडब्ल्यू डंप 7, एंटर करूंगा और यहाँ पे मेरे पास हैश आ जाएंगे। इन हैश को मैं फर्दर क्रैक कर सकता हूँ बाय यूजिंग टूल्स लाइक हैशकैट। हैशकैट हमने अभी लिनक्स के अंदर देखा था कि हैशकैट को हम क्यों यूज करते हैं, जस्ट क्रैकिंग द हैश। तो ऐसे आप लिनक्स के अंदर भी क्रैक कर सकते हो, ठीक है, हैशकैट से विंडोज के भी हैश क्रैक कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल था। सो अगेन गेनिंग एक्सेस के अंदर काफी सारी टेक्निक्स आती है, पासवर्ड गैसिंग भी आप कर सकते हो। यूजली काफी सारी ऐसी मशीन होती हैं या फिर काफी सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होती है जहाँ पे आपको पासवर्ड गैसिंग करने के बाद ही आपको टारगेट का एक्सेस मिलता है। सो यहाँ पे पासवर्ड क्रैकिंग टेक्निक्स होती है, जैसे कि ब्रूट फोर्स हो गया, डिक्शनरी अटैक हो गया, ठीक है, या फिर आप पासवर्ड गैसिंग कर रहे हो, या अगेन ऐसा भी हो सकता है कई बार आप पासवर्ड जो ले रहे हो किसी और टेक्निक से ले रहे हो। कई बार हो सकता है मोस्टली अटैकर सोशल इंजीनियरिंग से भी लेते हैं, शोल्डर सर्फिंग, जैसे कि आप अपना पासवर्ड लैपटॉप पर टाइप कर रहे हो, किसी ने पीछे से देख लिया तो वो शोल्डर सर्फिंग के अंदर आता है। या फिर कई बार होता है कुछ लोग पासवर्ड को अपने कुछ फाइल्स वगैरह में लिखते हैं, नोटपैड वगैरह में, मतलब नोटपैड में यूज करते हैं, हैंड रिटन होता है ना, बुक्स वगैरह में लिख देते, कहीं पे लिख के छोड़ देते, तो वो वहां से भी वो निकाल लेते हैं, मतलब कई बार अटैकर, तो वो डंपस्टर डाइविंग के अंदर आता है। तो ऐसी काफी सारी सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक से भी आप पासवर्ड गैदर कर सकते हो, ठीक है। सेकंडली जो गेनिंग एक्सेस के अंदर हमारी चीज आती है, दैट इज एस्केलेटिंग प्रिविलेजेस। आपको अगर एक नॉर्मल यूजर का शेल मिल गया, आपको नॉर्मल यूजर के अंदर अपने सिस्टम के अंदर कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, बेसिकली एस्केलेटिंग प्रिविलेजेस का मतलब क्या है, फर्स्टली आपके पास इनिशियल यूजर का शेल है, आपके पास इनिशियल लेवल के परमिशन है, तो अब आप करोगे अपने प्रिविलेजेस को एस्केलेट करने का ट्राई करोगे। अब एस्केलेशन भी दो तरह का होता है, फर्स्ट इज हॉरिजॉन्टल, सेकेंड इज वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल के अंदर क्या होता है, हमारा जो ओवरऑल हम बात करें जो प्रिविलेजेस होते हैं, जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे पास मल्टीपल यूजर्स, एक ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास 5 यूजर्स, 5 यूजर के पास सेम राइट्स है। तो अगर मैं एक यूजर से
दूसरे यूजर के प्रिविलेजेस ले पा रहा हूँ, उसके प्रिविलेजेस सेम है हमारे पास, पर मैं एक यूजर से दूसरे यूजर पर जंप ऑन कर पा रहा हूँ, दैट मीन्स मेरा जो प्रिविलेज एस्केलेशन मैंने किया है वो क्या किया है मैंने, हॉरिजॉन्टल प्रिविलेज एस्केलेशन किया। हॉरिजॉन्टल प्रिविलेज एस्केलेशन के अंदर हम विद इन द सेम यूजर्स के अंदर ट्रैवल करते हैं, जो हमारे प्रिविलेजेस रहते हैं सेम यूजर्स के ही मतलब रहते हैं, अगर हम किसी डिफरेंट यूजर को कॉम्प्रोमाइज कर पाते हैं तो उसको हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल प्रिविलेज एस्केलेशन। पर अगर हम किसी हायर यूजर के प्रिविलेजेस एक्वायर कर पाते हैं, दैट मीन्स वो है हमारा वर्टिकल प्रिविलेज एस्केलेशन, जैसे कि नॉर्मल यूजर टू रूट, तो वो क्या हुआ वर्टिकल प्रिविलेज एस्केलेशन है। सो ये था हमारा एस्केलेशन पार्ट, ठीक है। अब सेकेंडली हमारा फेज आता है सिस्टम हैकिंग के अंदर मेंटेनिंग एक्सेस। मेंटेनिंग एक्सेस के अंदर हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिंग एप्लीकेशन और हाइडिंग फाइल्स। फर्स्टली हमारा फेज आता है एग्जीक्यूटिंग एप्लीकेशन, उसके अंदर हम क्या करते हैं, जो अगर हमें टारगेट का एक्सेस मिल गया है, अब उसके अंदर हम कुछ मैलिशियस एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, जिसके थ्रू हमारा जो सेशन मतलब जो हमारा कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ है वो परसिस्टेंट रहे, वो हमारा कॉन्स्टेंटली बना रहे और हमारे पास डेटा आता रहे टाइम टू टाइम, और हमारा कनेक्शन एक फिर से कम्प्लीटली बना रहे, कभी ब्रेक ना हो, उसके लिए हम मैलिशियस एप्लीकेशन यूज करते हैं। अब मैलिशियस एप्लीकेशन कौन से होते हैं, जैसे कि ट्रोजन्स होते हैं, स्पायवेयर्स होते हैं, बैकडोर्स होते हैं, की लॉगर्स होते हैं। तो अगर मैं की लॉगर के एग्जाम्पल की बात करूँ, तो की लॉगर क्या करते हैं, आपकी की स्ट्रोक जैसे कि कीबोर्ड में आप जो भी टाइप कर रहे हो वो सब चीजों को रिकॉर्ड करते हैं, की लॉगर्स को, सारे की लॉगर्स की अगर हम बात करें, सारे अपने जो भी अपने टाइप कर रहे हो ना कीबोर्ड में आपके, वो सारे चीजों को ग्रैब कर लेते हैं की लॉगर। अगेन हार्डवेयर भी डिवाइस आते हैं, सॉफ्टवेयर भी आते हैं, तो मैं एग्जाम्पल के लिए हार्डवेयर का एग्जाम्पल देता हूँ, की ग्रैबर। सो ये हार्डवेयर की लॉगर है, ये ऐसे डिवाइस आते हैं जो कि आपको बस सिस्टम में प्लग करना है और वो आपकी सारी चीजें डिटेक्ट करता रहेगा, ठीक है। ये आप बाय कर सकते हो, अगेन ये स्पेसिफिक प्राइस रेट पे आते हैं, $40, €40, ये आप बाय कर सकते हो। इसके अलावा सॉफ्टवेयर की लॉगर्स भी आते हैं, जैसे कि बात करने वाले इंसान, ये सॉफ्टवेयर में आता है, इसमें बेसिकली आपको बस एप्लीकेशन को रन करना है, बैकग्राउंड वो सारी चीजें चलती रहेंगी और वो टाइम टू टाइम आपको डेटा भेजता रहेगा, एक तरह से सारी जो की स्ट्रोक है उसको लॉग फाइल में सेव करेगा और थ्रू इंटरनेट आपको सारी चीजें भेज देगा। इसका फ्री ट्रायल भी अवेलेबल है और आप उसको बाय भी कर सकते हो। Yes, और भी काफी सारे ऑल्टरनेटिव है हमारे की लॉगर के लिए, आप यूज कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन योर कि आपको फीचर चाहिए की लॉगर में, क्योंकि हर की लॉगर में हर डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स आते हैं। सो और उनका अगेन डिपेंड करता है क्या एडवांटेजेस आपको मिल रहे हैं, कि आपको सब्सक्रिप्शन मॉडल मिल रहा है, क्या सर्विसेज उसकी, मेंटेनेंस सपोर्ट वगैरह, बहुत सारी चीजें मैटर करती है की लॉगर बाय कर रहे हो अगर आप, तो अगेन आप फ्री ट्रायल यूज करो फर्स्ट, ठीक है, और अगर आपको अच्छा लगता है सो देन यू कैन बाय, ठीक है। तो आपकी क्या होगा, इसमें ओवरऑल आपकी की स्ट्रोक्स को लॉक करेगा और फिर वो इंटरनेट पर जैसे कि जो भी अटैकर होगा उसको सेंड कर दे, अटैकर कह रहा है आपके रियल टाइम में जो भी आप टाइप कर रहे हो सारी चीजें वहां पे कैप्चर कर रहा है, सो दैट इज अ की लॉगर। स्पायवेयर की अगर हम बात करें तो ओवरऑल वो एप्लीकेशन जो आपकी हर एक एक्टिविटी को स्पाय करती है, जैसे कि आप फोन में भी काफी सारे स्पायवेयर आते हैं, वो क्या करते हैं फोन में सारी जो भी आप एक्टिविटी परफॉर्म करो, चाहे वो कॉल लॉग्स हो, चाहे अगर हम बात करें कॉन्टेक्ट्स हो गए, व्हाट्सएप की आपकी चैट्स हो गई, मैसेजिंग हो गई, ठीक है, आपकी लोकेशन, बहुत सारी चीजों को मॉनिटर करते हैं और फिर अटैकर को वही सेम चीजें सप्लाई करते हैं, तो दैट थिंग वी नोन एज अ स्पायवेयर्स। बैकडोर्स होते हैं हमारे, वो ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो कि हम एप्लीकेशन मतलब टारगेट के अंदर इंस्टॉल करते हैं और उसके थ्रू एक गेट, एक तरह से हम कह सकते हैं गेट ओपन हो जाता है टारगेट के अंदर, जिसके थ्रू हम ट्रैवल कर सकते हैं कभी भी। जैसे कि मैं एक एग्जांपल हूँ, लेट मी क्रिएट अ डायग्राम, ये बैकडोर कैसे काम करता है। ये मेरा सर्वर है, ठीक है, अब मैंने क्या किया, नॉर्मली पहले सर्वर था पर मैंने इसको हैक किया और इसके अंदर एक प्रोग्राम इंस्टॉल किया जिसने एक गेट ओपन कर दिया। अब ये गेट क्या रहेगा, ये भाई मेरे लैपटॉप से कनेक्टेड रहेगा, मेरा जब मन करेगा मैं इसमें आऊंगा, मेरा जब मन करेगा मैं यहाँ से वापस चला जाऊंगा, ठीक है। तो एक तरह से बैकडोर ओपन कर दिया, इसको आप गेट कर सकते हो, जिससे अटैकर अपना पूरा कम्युनिकेशन करेगा सर्वर के साथ। सो ये ऐसे प्रोग्राम्स को हम बैकडोर कहते हैं। अब बैकडोर के अलावा ट्रोजन की बात कर लेते हैं, ट्रोजन भी एक तरह से मैलिशियस एप्लीकेशन होते हैं जो आप यूज कर सकते हो, जैसे कि ऐसे ट्रोजन बेसिकली वो एप्लीकेशन होते हैं जिसके अंदर एक एप्लीकेशन के अंदर और भी काफी सारे एप्लीकेशन होते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल की बात करूं, आपने इंस्टॉल किया गॉम प्लेयर, आप गॉम प्लेयर इंस्टॉल कर रहे हो, पर गॉम प्लेयर इंस्टॉल करने के साथ साथ आपको एक नीचे ऑप्शन मतलब डिफॉल्ट में टिक लगा रहता है पहले से कि ये सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल हो जाएंगे, अगर आप उस टिक को अनचेक नहीं करोगे तो वो सारी चीज इंस्टॉल होती चली जाएंगी। कुछ चाइनीज सॉफ्टवेयर भी होते हैं, कुछ काफी सारे वायरस, 360 एंटीवायरस, मतलब हमें एक सिर्फ एक सॉफ्टवेयर चाहिए था पर हमें भाई और भी काफी सारे फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर मिल गए, काफी सारे और भी प्रोग्राम्स मिल गए, तो वो चीज होती है। मैं ट्रोजन्स भी अगेन वही है कि
काफी सारे मैलिशियस ही होते हैं, ठीक है, आपके वो डेटा कलेक्ट करते रहते हैं बैकग्राउंड में और आपको पता भी नहीं चलता, आपके पास सिस्टम थोड़ा स्लो हो जाता है। आप अगर चेक करोगे भाई आपका सिस्टम में के अंदर ऐसे काफी सारे एप्लीकेशन है या नहीं है, तो आप मॉनिटर करोगे आपकी परफॉर्मेंस फर्स्टली इम्पैक्ट करती है कि आपकी ओवरऑल जो स्पीड है वो स्लो हो जाती है, ठीक है। बैकग्राउंड में काफी सारी चीजें एक्टिविटी हो रही है बस आपको दिख नहीं रहा, बैकग्राउंड में सब चीजें चल रही है, आप वो चीजें टास्क मैनेजर वगैरह से एनालाइज कर सकते हो। सो वो मैलिशियस एप्लीकेशन हम यूज करते हैं। अब सेकेंडली आपने अपने प्रिविलेजेस एस्केलेट कर लिया, अपने मैलिशियस एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लिया, अपने गेट वगैरह ओपन कर दिया सर्वर के अंदर, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हाइडिंग फाइल्स। उस प्रोसेस को हम कहते हैं स्टिग्नोग्राफी। स्टिग्नोग्राफी एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आप मेन एप्लीकेशन के बैकग्राउंड में कुछ भी हाइड कर सकते हो, कोई भी मैसेज हो सकता है, कोई भी एप्लीकेशन हो सकता है, कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है, कोई भी ऑडियो हो सकता है। तो आप स्टिग्नोग्राफी अलग मतलब डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन को परफॉर्म कर सकते हो। ऑडियो के लिए अलग टूल्स आते हैं, वीडियो के लिए अलग, डॉक्यूमेंट के लिए अलग, हर चीज के लिए अलग टूल्स आते हैं। इसमें मेन यहाँ पे काम होता है कि एक मेन चीज के पीछे हमने एक सेकेंड मैलिशियस चीज छुपा दी। हमारे जैसे मैं एग्जांपल लूं कि मैं आपको एक फाइल दे रहा हूँ, जैसे कि फाइल का नाम है day1.txt। उस day1.txt के पीछे मैंने एक इनक्रिप्टेड मैसेज छुपा रखा है, सीक्रेट मैसेज के साथ। अब वो मैसेज मैंने किसी एक फ्रेंड के लिए छुपा रखा है, या फिर सपोज किसी एक पर्टिकुलर कैंडिडेट के लिए छुपा रखा है, या फिर मे भी हो सकता है जो हमारा फाइल है वो मैलिशियस भी हो सकता है। तो जैसे अगर आप उसको ओपन करोगे आपको फ्रंट एंड में तो टेक्स्ट फाइल दिखेगी, पर बैकग्राउंड में क्या होगा, वो पर्टिकुलर चीज रन हो जाएगी बैकग्राउंड में, वहां पर आपका जो मेरा मैलिशियस एक्टिविटी है वो भी रन हो जाएगा। और आप इसको डिकोड करना चाहो तो अगेन सारी चीजें की के साथ होती है, ये भी मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कैसे वर्क करती है। तो अब जैसे कि मुझे यहाँ पे स्टिग्नोग्राफी परफॉर्म करनी है, मतलब मुझे एक एप्लीकेशन के साथ कुछ मेरा मैसेज या फिर कोई डिफरेंट एप्लीकेशन को बाइंड करना है, मैं कैसे कर सकता हूँ। सो स्टिग्नोग्राफी के लिए एक काफी कॉमन टूल है, जैसे कि अभी हम यहाँ पे सिर्फ मैसेज बाइंड करने वाले, आप एप्लीकेशन भी बाइंड कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि कई लोग पायरेटेड मूवी डाउनलोड करते हैं, अगर आप पायरेटेड मूवी डाउनलोड कर रहे हो किसी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म से या फिर कुछ पायरेटेड सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हो, तो चांसेस बहुत ज्यादा हाई है कि उनके बैकएंड में उनके मतलब एक एप्लीकेशन बाइंड होगा, मैलिशियस एप्लीकेशन, जो कि आपके सिस्टम के अंदर एक तरह से पेनिट्रेट कर देगा पूरा और काफी ज्यादा मैलिशियस डेटा मतलब मैलिशियस एक्टिविटी परफॉर्म करेगा फर्स्टली, और सारा डेटा आपका कैप्चर करके अटैकर को सेंड करता रहेगा। बैकग्राउंड में चलेंगी सारी चीजें, आप फ्रंट एंड में मूवीज जो करोगे बैकग्राउंड में आपके सारे एक्टिविटी सारा डेटा कलेक्ट कर रहा है हमारा। और ऐसा भी हो सकता है कई बार रैंसमवेयर वगैरह भी यूजुअली ऐसे आते हैं, आपने इंस्टॉल किया एक एप्लीकेशन, बैकग्राउंड में एक और एप्लीकेशन चल गया पर आपको दिखाया नहीं, पर लास्ट में जैसे आप दोबारा सिस्टम पे आते हो सब कुछ इंक्रिप्ट हो चुका है और डिक्रिप्शन के लिए आपको खींची। तो इसीलिए कंपनी सजेस्ट करती है कि आप मैलिशियस एप्लीकेशन मत यूज करो, क्योंकि उससे आपका पूरा सिस्टम भी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। तो अभी तो हम जस्ट एक सिंपल मैसेज अगर बाइंड करना है तो उसके लिए हम एक टूल यूज करने वाले, दैट इज ओपन स्टैक। इस टूल को यूज करके आप कोई भी अपना मैसेज बाइंड कर सकते हो एप्लीकेशन से, ठीक है। अगर आपको कोई एप्लीकेशन बाइंड करना है तो वो एक डिफरेंट प्रोसेस है, उसके लिए अलग से कुछ और टूल्स आते हैं, पर अभी के लिए हम जस्ट फॉर प्रैक्टिकल पर्पस हम सिर्फ एक मैसेज यूज करने वाले। ये ओपन स्टैगो है, ठीक है, यहाँ पे ये यहाँ पे इमेजेस आ रही है, सो आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड करने के लिए कुछ नहीं, आपको यहाँ पे बटन पे क्लिक करना है डाउनलोड, फिर डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पे, ये एक्सी फाइल में डाउनलोड कर सकते हो, पर इसको डाउनलोड करने के लिए और आपको रन करने के लिए आपको जावा इंस्टॉल होना चाहिए, आप उसे जावा इंस्टॉल कर लें, अदरवाइज ये टूल चलता नहीं। तो जीआरई इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ दिस टूल, ये डिपेंडेंसी है, तो आपको ये इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो जावा के लिए जावा डाउनलोड, तो आप यहाँ से जावा इंस्टॉल कर सकते हैं, विंडोज के रिगार्डिंग या मैक जो भी आप यूज कर रहे हैं लिनक्स, ठीक है, तो आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। आपका जैसे ये जावा इंस्टॉल हो गया, आपको ईएक्सी फाइल यूज करनी है, और फिर जैसे कि इस सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं ओपन करके दिखाता हूँ। तो ये मेरा यूआई आ गया ओपन स्टैक। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे फाइल देनी है कि मेरे को एक मैसेज फाइल है, मैं चाहता हूँ एक पर्टिकुलर एक फाइल को मैं बाइंड करना चाहता हूँ। मैं क्या करूंगा, मैं एक एप्लीकेशन में जाता हूँ, डाउनलोड्स के अंदर एक फाइल क्रिएट करते हैं, बहुत ही छोटी सी फाइल, ये तो काफी बड़ा है, ये मैं फाइल लेता हूँ, ठीक है, ये मेरी क्या है ईएक्सी फाइल है, ठीक है, फर्स्ट अगेन ईएक्सी के बाद ये क्यूसी एक इनक्रिप्ट किया है मैंने, ठीक है, तो उसमें वो आ रहा है, पर जस्ट सपोज इट एज ईएक्सी फाइल। अब इसको कवर करने के लिए मतलब इस पर एक मेन फाइल भी लगानी पड़ेगी, जो हम यूजर को देखेंगे कि भाई ये देखो तुम्हारी मूवी है, तो वो जो मूवी है अब हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, या फिर कुछ भी वो डाउनलोड कर रहा है उसको जो चाहिए वो जो यहाँ पे मैंशन करें। तो मैं यहाँ पे एक इमेज करता हूँ, सपोज उसको इमेज चाहिए तो वो इमेज डाउनलोड करेगा, पर बैकग्राउंड में क्या होगा, मेरा एक एग्जीक्यूटेबल रन हो जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा कि मुझे कहाँ पे सेव करना है वो चीज, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ मैलिशियस ऐप ऊपर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अपना एल्गोरिथम सेलेक्ट कर सकता हूँ ES 128/256,
कोई भी सिलेक्ट कर सकते, दोनों ही ऑलमोस्ट सिक्योर है। बस AES-128 थोड़ा पुराना है तो इसके अंदर मतलब वल्नरेबिलिटी है, पर डिपेंड करता है पैडिंग वगैरह कौन सी होती है, पर वो चीज भी हम देखेंगे इंक्रिप्शन के अंदर ही काफी सारे डीप डाइव करके AES-128 के अंदर कौन सी हमें पैडिंग यूज करनी चाहिए, क्या साइफर वगैरह होनी चाहिए। सो पर अगेन अभी अभी जस्ट हम प्रैक्टिकल पर्पज के लिए सर AES-128 यूज करें। पासवर्ड हम 123 और फिर से हम पासवर्ड दे रहे 123। अब हम ये डेटा हाइड कर देंगे, मतलब एग्जीक्यूटेबल इस पिक्चर के पीछे हाइड कर देंगे, प्रोसेसिंग ठीक है। अब यहाँ पे क्या इमेज का साइज मेरा थोड़ा ज्यादा नहीं है इसी वजह से, पर ये फाइल का साइज बहुत ज्यादा है इसलिए नहीं ले रहा, तो मैं कुछ ऐसा चूज करूंगा जो ऑलरेडी मतलब काफी स्मॉल हो साइज के अंदर, जैसे कि ये तो काफी ज्यादा बड़ा एप्लीकेशन है, सो ये यूज करके देखते हैं, प्रोसेस करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ है, मेरी एक इमेज के अंदर मेरा एग्जीक्यूटेबल आ गया। अब उस अगर वो एग्जीक्यूटेबल मैलिशियस हुआ, अगर वो कोई कील होगा या फिर स्पायवेयर कुछ भी हुआ, तो मैं जैसे अपनी इमेज ओपन करूंगा, जैसे मेरे टेस्ट या मैलिशियस ऐप है, ये एक मेरी इमेज है, यहाँ पे आप देखो क्या है, एक इमेज फाइल है, ओपन करूंगा तो ये मेरी फोटो ओपन होगी। पर इसके बैकग्राउंड में क्या हुआ, मेरा मैलिशियस एप्लीकेशन भी ओपन हो रहा है जो कहता है बैकग्राउंड में टास्क परफॉर्म कर रहा है, सो दैट थिंग वी नो इट इज अ स्टेनोग्राफी। अब अगर मुझे कुछ एक्सट्रैक्ट करना हो, अगर किसी ने मान के चलो किसी फ्रेंड के लिए दिया कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ टारगेटेड पर्सन के लिए दिया है, तो मैं वहां से एक्सट्रैक्ट भी कर सकता हूँ कि हाँ भाई मुझे पता है कि मेरे एक फ्रेंड ने मुझे एक डेटा भेजा है, वो काफी सीक्रेट डेटा है, इसलिए उसने किसी नॉर्मल चीज के साथ बाइंड करके भेजा है ताकि हर कोई उसको एक्सेस ना कर सके, तो मैं उसको एक्सट्रैक्ट भी कर सकता हूँ। जैसे एक्सट्रैक्ट डेटा मुझे इनपुट करनी है फाइल को, तो मैं कहाँ से करूँगा, जैसे मेरी मैलिशियस ये है, तो ये मेरा एप्लीकेशन है जिसके अंदर डेटा है, तो अब मैं चेक करूंगा मुझे कहाँ पे करना है, तो रियल पासवर्ड मेरा क्या था, मुझे पासवर्ड पता होना चाहिए एटलीस्ट, अगर मैं कोई भी डेटा एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ, कोई भी मेरा हिडन डेटा अगर मुझे एक्सट्रैक्ट करना है तो मुझे पासवर्ड पता होना चाहिए, तभी आप कर पाओ ना नहीं कर पाओ। एक्स्ट्रा डेटा और यहाँ पे प्रोसेसिंग होती है, और मेरी दोनों चीजें अलग हो जाती है, पाथ इसको नहीं मिल रहा है, एक्स्ट्रा डेटा ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, बेसिकली हमारा जो मैसेज है वो डिक्रिप्ट हो गया, और यहाँ पे जो कवर फाइल से हमारा क्या निकला है, मेन एक एग्जीक्यूटेबल मेन निकला है हमारा, ठीक है, वो भी हमारा डिकोड हो गया, कहाँ पे आ गया, हमारा मेन डायरेक्टरी के अंदर आ गया, क्योंकि पहले यहाँ पे प्रेजेंट नहीं था, पहले मैलिशियस कहाँ पे था, सिर्फ यहाँ पर था, पर अब यहाँ पर भी है, ठीक है। तो ये मतलब प्रोसेस यूज करके अटैकर्स यूजली हर मेन एप्लीकेशन के अंदर एक मैलिशियस एप्लीकेशन को बाइंड करके आपको फाइल सर्व करते हैं, जो कि आप यूज करते हो, आपको लगता है कि आप फ्रीली इंटरनेट पर चीजें यूज कर रहे हो, चाहे वो टोरेंट के थ्रू यूज कर रहे हो या फिर कोई पायरेटेड एप्लीकेशन या मूवी डाउनलोड कर रहे हो या इमेज भी डाउनलोड कर रहे हो, इनकेस तो बैकग्राउंड में काफी सारी चीजें चल रही है, जस्ट मेक श्योर दैट कि वो सारी चीजें आप सही वो प्लेटफॉर्म से डाउनलोड कर रहे हो, काफी ज्यादा ट्रस्टेड है वो चीजें, काफी ज्यादा रेप्यूटेड है, सो आपका सिस्टम एट लास्ट सिक्योर रहने वाला। अगर हम बात करते हैं इसको डिफेंड, मतलब ठीक है काफी सारी चीजें होती है मैलिशियस होती है, पर अगर हमें चेक करना हो तो वो चीज मैलिशियस है भी या नहीं, तो उसके लिए आता है हमारे पास फर्स्टली वायरस टूटल। वायरस टूटल पर जाके आप अपनी फाइल को जो भी आपको चेक करना है कि आप फाइल मैलिशियस है या नहीं है, तो वायरस टूटल पर जाकर अपने फाइल को स्कैन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फाइल देनी है और वो आपको बता देगा, यहाँ पे काफी सारे चेक्स इंप्लीमेंट, मतलब काफी सारे एंटीवायरस हैं जो कि काफी सारे सिक्योरिटी चेक्स परफॉर्म करने वाले हैं इसके ऊपर, अगर वो मैलिशियस होगा तो आपका स्कोर आ जाएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे आप फाइल करके चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ एंटी वायरस और या फिर एंटी की लॉगर्स वगैरह भी आते हैं, ठीक है, तो वो डिपेंड करता है आप क्या आपका पर्पस है, क्या आपका बजट है, ठीक है। कुछ फ्री भी आते हैं, कुछ पेड भी आते हैं, जैसे अगर मैं एंटीवायरस की बात करूँ, एंटी मालवेयर आता है, सुपर एंटी मालवेयर, ये आप टूल यूज कर सकते हो, एंटी स्पायवेयर सॉरी, सो सुपर एंटी स्पायवेयर आप यूज कर सकते हो, अगर आपको स्पायवेयर डिटेक्ट करने अपने सिस्टम के अंदर, तो ये सारा मतलब स्कैन चलाओ अपने सिस्टम को, कंप्लीटली फुल स्कैन करो और आपको काफी ज्यादा रिजल्ट देखने को मिलेंगे कि हो सकता है आपको आपके सिस्टम में 1000 से भी ज्यादा कितना स्पायवेयर हो इजीली। अगर यूजली अगर आप 5-6 साल से सिस्टम यूज कर रहे हो, एक दो साल से भी यूज कर रहे हो, आपने काफी ज्यादा चीजें इंटरनेट से डाउनलोड की, आप एक बार सिस्टम को स्कैन करो, आप नंबर चेक करो आपके सिस्टम के अंदर कितने ज्यादा मैलिशियस एप्लीकेशन फाउंड होते हैं, कितने ज्यादा मैलिशियस स्पायवेयर मिलते हैं, तो आप इसे स्कैन कर सकते हो। अगर आपको पेड एंटीवायरस चाहिए तो बिट डिफेंडर आप इसको भी यूज कर सकते हो, बिट डिफेंडर मैक कैफे भी आप यूज कर सकते हो, विंडोज सिक्योरिटी से भी अगर आप स्कैन करो तो वो कुछ हद तक आपको दे देगा, पर मुझे लगता है कि पूरे ओवरऑल जो एडवांस लेवल के मतलब काफी ज्यादा वायरस होता है वो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता, तो क्योंकि कुछ हमारे मालवेयर ऐसे होते हैं जो जानबूझकर अनडिटेक्टेबल बनाए जाते हैं, वो भी हम देखेंगे कि मतलब मालवेयर अगर बना रहे हैं तो उसको अनडिटेक्टेबल कैसे बनाना है, क्योंकि यूजुअली क्या होता है विंडोज जो हमारा बाय डिफॉल्ट ऑन रहता है और ये बैकग्राउंड में सारी चीजें
डिटेक्ट करते रहता है कि भाई क्या चीज चल रही है क्या नहीं चल रही, सो वो भी एक चीज रहती है। तो इसके अलावा ये आप ये यूज कर सकते हो, और एंटी की लॉगर भी आप चेक कर सकते हो। तो ये सारे मतलब टूल्स आ रहे हैं विंडोज एंटी की लॉगर डाउनलोड, ठीक है। आप ये एक एंटी की लॉगर टूल्स यूज कर सकते हो आपके सिस्टम को स्कैन करने के लिए कि आपके सिस्टम के अंदर कोई की लॉगर इंस्टॉल है या नहीं। तो ये सारे मतलब डिवाइस मतलब डिफेंस के लिए अगर आपको चेक करना है कि हाँ ठीक है आप ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज हो, हम ये मान के चल रहे हैं कि आप ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज हो, इन दैट केस आप क्या कर सकते हो, तो आप फ्री भी कुछ आते हैं एज ए जस्ट पेड यूज करोगे, पेड में काफी ज्यादा सिग्नेचर्स बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि आप डिपेंड करता है आप कितना लेवल तक इन डेप्थ स्कैनिंग कर पा रहे हो। तो फुल सिस्टम स्कैन करो, आप स्पायवेयर चेक करो कितने स्पायवेयर्स निकल रहे हैं, कितने ट्रोजन्स हैं, कितने मालवेयर एप्लीकेशंस आपने इंस्टॉल किए, क्योंकि बैकग्राउंड में बहुत सारी प्रोसेस चलते हैं उनको पता नहीं चलता लास्ट, ठीक है। सो दैट्स इट, तो ये था हमारे स्टेनोग्राफी का प्रैक्टिकल। अब हम बात करते हैं दैट इज लास्ट थिंग दैट इज क्लियरिंग लॉग। जब हमारे ये सब हो जाता है तो उसके बाद हम करते हैं लॉग्स क्लियर। लॉग्स क्लियर करने के लिए हमें अगेन विंडोज के लिए अलग होता है, लिनक्स के लिए अलग होता है हमारा। विंडोज के लिए अगर आपको लॉग्स क्लियर करने हैं तो आप इवेंट व्यूअर के अंदर जाओगे, इवेंट व्यूअर ओपन करने के बाद आपको विंडोज लॉग्स के अंदर जाना है, फिर एप्लीकेशन, और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है क्लियर लॉग। तो आपने जितने भी मतलब लॉग्स मतलब अभी जितनी भी एंट्रीज वगैरह होंगे स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आप सबको क्लियर कर सकते हैं विंडोज के अंदर, ठीक है। दैट इज अ ग्रेट थिंग फॉर विंडोज। विंडोज आप ऐसे क्रिएट कर सकते हो, अगर आपने मेटास्प्लॉइट के थ्रू सिस्टम को एक्सप्लोइट किया है तो आप मेटास्प्लॉइट के थ्रू भी चीजों को कर सकते हो, मतलब क्लियर लॉग क्लियर कर सकते हो। मेटास्प्लॉइट में एक यूटिलिटी आती है, मतलब एक तरह से आप मेटरप्रेटर के थ्रू अगर आपने सेशन लिया है तो मेटरप्रेटर में कमांड्स के थ्रू वहां से भी लॉग्स क्लियर कर सकते हो। और आपने अगर यूआई है आपके पास यूजर इंटरफेस है देन यू कैन क्लियर द लॉग्स फ्रॉम इवेंट व्यूअर, ठीक है। लिनक्स के अंदर भी एक लोकेशन आती है जिसमें अगर आप क्लियर कर सकते हो दैट इज वार लॉग मैसेजेस। तो ये लिनक्स के अंदर आती है, आपको इसके अंदर भी सारी एंट्रीज डिलीट करनी है तो जिसके अंदर से आप ओवरऑल कंफर्म कर सकते हो हाँ मेरी सारी एंट्रीज डिलीट हो गई, अब मैं सिक्योर हूँ एज अ हैकर। अगर किसी ने फॉरेंसिक भी या कुछ भी किया तो मेरी कुछ एंट्रीज तो है ही नहीं, तो मतलब वो एग्जैक्ट अटैक तो एटलीस्ट परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, सो एट लास्ट मैं सिक्योर हूँ। सो दैट इज इट फॉर द सिस्टम हैकिंग। वी हैव डन कपल ऑफ प्रैक्टिकल्स एज वेल, ठीक है। अगर किसी को किसी भी चीज के अंदर डाउट है इंक्लूडिंग डे 6 या फिर डे 5 डे 4 डे 3 डे 2 जस्ट लेट मी नो, क्योंकि हमने ऑलमोस्ट 6 डेज का कवर किया है। अब हमारा लास्ट डे रहेगा दैट इज डे 7, उसके लिए टाइमिंग्स और लिंक ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। अगेन ये लास्ट डे रहेगा ट्रेनिंग बूट कैंप का, सो मेक श्योर दैट यू आर ज्वाइनिंग, क्योंकि हम इसमें कंप्लीट स्टडी प्रोसेस के बारे में बात करने वाले हैं कि आफ्टर दिस बूट कैंप आप क्या क्या सीख सकते हो और कैसे कैसे आपका ओवरऑल रोड मैप रहने वाला। इवन आप अगर आप स्टूडेंट हो या फिर कॉलेज स्टूडेंट हो जैसे कि, सो उसके लिए हमारे पास कंप्लीट कार्ड और एक तरह से पाथवे रोड मैप है जो हम डिस्कस करने वाले। अगेन कल की क्लास इतनी ज्यादा मेगा क्लास नहीं होने वाली, कल एक स्मॉल क्लास रहेगी जस्ट एक घंटे की क्लास जिसमें हम सिर्फ डिस्कशन करेंगे कि क्या एक तरह से प्रोसेस होनी चाहिए स्टडी की साइबर सिक्योरिटी में एंटर करने के लिए। अगर आपको ऑफेंसिवली अगर आपको आगे बढ़ना है इसमें करियर ग्रो करना है, ठीक है, इन द वर्ल्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी और हैकिंग, ठीक है, एथिकल हैकिंग बेसिकली, एप्लीकेशन सिक्योरिटी इंजीनियर या फिर साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, आप कैसे फ्यूचर में ग्रोथ कर सकते हैं, सो वो चीज हम कल डिस्कस करते हैं। सो एनीवन हैव एनी डाउट्स फ्रॉम डे 3 टू डे 6 या फिर अगर कोई डे 1 और डे 2 में भी हो सो इट्स ओके, जस्ट लेट मी नो। आई थिंक आई एम डन फ्रॉम माय साइड, यू कैन आस्क एनीथिंग। सर डे 6 का क्या रिकॉर्डेड लेक्चर मिल सकता है वैसे? डे 6 का हाँ मिल जाएगा सुलेमान, आपको विद इन नेक्स्ट 2 to 3 डेज सारे रिकॉर्डिंग्स अपलोड हो जाएंगे। So we will share the links and you can refer the practicals. Okay, sir, Monday को आपकी new batch जो join हो रही है वो complete 6 month की होगी, जो आपने starting के जो day 1 में बताया था कुछ हमें introduction में। Complete वो 6 months रहेगा, मतलब overall जो target रहेगा हमारा January तक रहने वाला है, ठीक है, और वो dedicated batches है, तो वो हम कल की class में discuss करने वाले हैं कि आने वाले जो उसको proper train, क्योंकि काफी बच्चे ऐसे भी हैं इसमें जिन्होंने paid trainings के लिए भी enrolled है, ठीक है, कुछ के साथ ऐसा है कि क्योंकि हमारे पास 4 batches हैं, तो 4 batches के अंदर 4 different अभी बैचेस चल रहे हैं सबके लिए, पर उसमें से कुछ बैच कम हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमने मतलब एस कंफर्ट को देखते हुए ऑडियंस की कंफर्ट को देखते हुए 4 batch लॉन्च किए थे। पर हमारा जो मेन कंसर्न है मतलब काफी सारे लोगों के कंसर्न है कि एज ए स्टूडेंट हम ट्रेनिंग पार्टी ले सकते, तो देन वॉट कैन बी डू, तो वो सारी चीज हम कल के लेक्चर में कवर करने वाले हैं कि आगे हम कैसे कैसे आगे प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है, और रिकॉर्डिंग लेक्चर्स भी आपको मिल जाएंगे। सो जस्ट वेट फॉर 2 or 3 days। Anything else? Anyone? I think आज काफी बड़ी क्लास हो गई, so I thought मुझे लगा कि 2 बजे तक हो जाएगा पर 2:36 हो गई। Okay, I'm just dropping off. अगर किसी और को कोई भी डाउट होता है, you can connect with me personally as well. You have my number over the group, so you can ping me anytime.
जस्ट डोंट हेसिटेट टू आस्क एनी क्वेश्चन, बिकॉज आप जितना ज्यादा पूछने वाले उतना ज्यादा एट द एंड सीखने वाले, ठीक है। और कोई भी आपको जज नहीं कर रहा है यहाँ पे कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता, बिकॉज अगर आप दूसरों को कंसिडर करोगे लास्ट में आपको ही कम सीखने को मिलेगा। सब लोग तो सीख ही लेंगे कहीं ना कहीं से, कोई पर्सनली मैसेज कर लेगा, कोई कुछ कॉल कर लेगा, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा लास्ट। आई सजेस्ट अनम्यूट योरसेल्फ, आस्क द क्वेश्चन, और जितना ज्यादा इंटरेक्ट करोगे सामने वाले को और ज्यादा चीजें बताने का मन करता है कि बहुत सारी चीजें हमारे पास बहुत ज्यादा। या सलीमान, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? यस सर, थोड़ा प्राइवेट क्वेश्चन है आपके मुतालिक सर। मतलब आपको गॉड ने इतनी सारी नॉलेज दी है और बिल्कुल आप बड़ी अच्छी है कि ट्रांसफर भी है, मतलब एक हम लोग मतलब दूसरी कंट्री में बैठे हैं और आप इतने इतना अच्छा ट्रांसफर भी कर सक रहे हैं हमें अपनी नॉलेज के हिसाब से। सर बेसिकली आपका डोमेन क्या है, मतलब एज बीन पेन टेस्टर हैं, सॉक हैं, साइबर के अंदर आपका प्लेटफॉर्म क्या है? मैं यूजुअली मेरा जो कंप्लीट अगर मैं डोमेन की बात करूं, सो मैं रेड टीमिंग के बारे में बात करना चाहता हूं कि मैं ऑफेंसिव साइड की जो साइबर सिक्योरिटी की ऑफेंसिव साइड में वहां पे वर्क करता हूं, ठीक है। That is why, अगर आप देखो मेरे जो अटैक्स टेक्निक्स हैं या फिर टूल्स जो भी मैं यूज करता हूँ, मैंने जो भी सारी चीजें डिस्कवर की सारी हमने ऑफेंसिवली वे में देखी, ठीक है। हम एक तरह से हैकर के माइंडसेट के बारे में बात कर रहे हैं, हमने जितना भी सब कुछ कवर किया सब कुछ एक तरह से हम हैकर के प्रोस्पेक्टिव से बात करें कि हाँ एक टारगेट है, हम हैकर है और भाई हमें उसको समझना है वो कैसे काम करती चीजें, उसके बारे में चीजें ढूंढनी है, उसके अंदर कमियां निकालनी है, फिर उसको भाई एक्सप्लोर करना है। तो एक तरह से मेरा जो मेन डोमेन एक तरह से ऑफेंसिव साइबर सिक्योरिटी के अंदर ही है, और एप्लीकेशन सिक्योरिटी को कह सकते हो, रेड टीम कह सकते हो। सो ये मतलब एक डोमेन है जिसमें मतलब तुम कंसिडर कर सकते हो कि हाँ मेरी प्रोफाइल इसके अंदर आती है। ओवरऑल मतलब मैं ऑफेंसिव साइड में काम करता हूँ, डिफेंसिव साइड नहीं है, क्योंकि डिफेंसिव में सॉक वगैरह आ जाता है, ठीक है। सो सॉक में मेरा नहीं है रोल, आई एम मोर इन टू द ऑफेंसिव साइड, एज अ पेन टेस्टर भी कह सकते हो। सो हाँ एज अ पेन टेस्टर भी मैंने वर्क किया, जिसमें मैंने मल्टीपल एप्लीकेशन को पेन टेस्ट किया है, ठीक है। आई थिंक अराउंड 300 प्लस एप्लीकेशन को मैं अब तक पेन टेस्ट कर चुका हूँ, ठीक है। काफी ज्यादा मल्टीपल वैलिडिटीज निकाली हैं, इंक्लूडिंग द क्रिटिकल वंस एज वेल। काफी ज्यादा एडवांस मेथडोलॉजी यूज भी किया हमने रिकॉनिसेंस के टाइम पर भी और बग्स फाइंड आउट करने के टाइम पर भी, लाइक इश्यूज के बारे में जैसे बताऊँ कि अकाउंट टेक ओवर, बिजनेस एजुकेशन, ये काफी ज्यादा कॉमन रहते हैं। मॉडर्न एप्लीकेशन भी आ रही है जैसे कि वेब 3.0 पर जो बेस्ड है उनके रिगार्डिंग, मतलब बहुत सारी चीजें अगर ऑफेंसिव में सीखना चाहोगे, अगर लर्निंग के लिए थोड़ा मतलब ना सीखने के अगर भाई भूख है तो भाई बहुत कुछ सीख सकते हैं, ठीक है। और सेल्फ स्टडी करोगे, बस ये कि सेल्फ में थोड़ा टाइम कंज्यूम होता है, बाकी और कुछ नहीं। अगर आपके पास टाइम है आई सजेस्ट सेल्फ स्टडी करो, अगर आप स्कूल में हो, स्टूडेंट हो या फिर कॉलेज स्टूडेंट हो, आपके पास बहुत टाइम है भाई, ठीक है, करियर वगैरह स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट, तो आप रिसर्च कर सकते हो। रिसर्च बहुत जरूरी है, रिसर्च नहीं करोगे आप, ठीक है, ऑब्वियसली बात है मार्केट में काफी ज्यादा चीजें आती जा रही है, काफी ज्यादा टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस होती जा रही है, ठीक है, तो आप कैसे अपडेट रह सकते हो, कैसे चीजों को परफॉर्म करने वाले वो भी डिपेंड करता है। तो यही था सुलेमान। ओके इफ नॉट देन आई थिंक वी आर गुड टू गो, आई एम जस्ट ड्रॉपिंग ऑफ फ्रॉम द सेशन। थैंक्स एवरीवन, थैंक्स फॉर जॉइनिंग, बाय।